दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप्स जो 45,000 के रेंज में आते हैं। 45,000 के राउंड लैपटॉप में कुछ माइनर चेंजेस ही होते हैं, मतलब आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ माइनर चेंजेस ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्राइस ब्रैकेट ही ऐसा है। तो दोस्तों लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है आसूस का वीवो बुक 15। ये लैपटॉप एक शानदार ऑप्शन है बजट कॉन्शियस यूजर के लिए, जो आपके डेली टास्क को इजिली हैंडल कर लेगा। आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर पाओगे लेकिन उतना स्मूथली रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। अगर आप डाविंसी रिजॉल्व या प्रीमियर प्रो यूज करोगे तो थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन अगर आप स्टडी के लिए लोगे या फिर एमएस ऑफिस पे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना होगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वीवो बुक 15 में आता है इंटेल का कोर i3 12th जनरेशन के साथ, जो परफॉर्मेंस में आउटस्टैंडिंग है कंसीडरिंग द बजट। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 15.6 इंच है, फुल एचडी है, जो कि आईपीएस नहीं है, आपको WBA या TFT पैनल के साथ जाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको मिलता है 200 nits का पीक ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, 45% NTSC है, ओवरऑल डिसेंट डिस्प्ले बोल सकते हैं। रैम और स्टोरेज पे जंप करें तो इसमें आपको 8GB रैम मिलेगा DDR5 के साथ, जिसका फ्रीक्वेंसी 3200 MHz है। स्टोरेज को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो लेकिन रैम को अपग्रेड कर सकते हो। आपको कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा, इंटेल का खुद का USD ग्राफिक्स होगा। कीबोर्ड में नंपैड भी है लेकिन बैकलिट कीबोर्ड नहीं है। 720p का HD वेबकैम है प्राइवेसी शटर के साथ। 42 वाट आवर का बैटरी है, 3 सेल उसमें होगा विद 65 वाट एडाप्टर के साथ। 5 to 6 आवर का बैटरी बैकअप इजिली आपको दे देगा, लेकिन हेवी टास्क रन करते टाइम 2 to 3 आवर्स का बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाला लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिलता है। लैपटॉप का ओवरऑल बॉडी प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन मेटेलिक फिनिश के साथ आता है। पोर्ट्स का बात करें तो आपको 1 USB पोर्ट, पावर सॉकेट, 1 HDMI, 2 USB 3.0 पोर्ट, 1 Type-C पोर्ट और एक लास्ट ऑडियो जैक मिलता है। और खास बात यह है कि इस लैपटॉप में आप हिंज को 180 डिग्री तक रोटेट कर पाओगे, विच इज वेरी इंप्रेसिव। इन नट्स से लिए भी एक अच्छा लैपटॉप है। अगर आप 45,000 के आसपास एक बढ़िया लैपटॉप देख रहे हैं तो आपका डे टू डे टास्क इजिली हैंडल कर लेगा। दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है आसूस का ही दूसरा लैपटॉप वीवो बुक 16X। वीवो बुक 15 में आपको इंटेल का प्रोसेसर मिल रहा था लेकिन यहाँ पे आपको राइजन के साथ जाना पड़ेगा। इसमें आपको मिलता है राइजन 5 सीरीज का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है इस प्राइस ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए। 6 Core 12 Threads के साथ आता है विद 8GB ऑफ रैम DDR4 वाला, 512GB का SSD स्टोरेज मिलेगा। आसूस का वीवो बुक 16X में मिलता है एक खास हाई रेजोल्यूशन का 16-inch डिस्प्ले, जो क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए एक अच्छा चॉइस है। ये वाला डिस्प्ले आपको इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसका पावरफुल प्रोसेसर और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड हेवी टास्क और गेमिंग के लिए कैपेबल है। अल्ट्रा स्लिम बेजल्स और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर इस लैपटॉप को इजी टू कैरी बनाता है। इसके कीबोर्ड में नंपैड के साथ साथ बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिलता है। 50 वाट आवर्स का बैटरी है 90 वाट एडाप्टर के साथ, जो कि 5 टू 6 आवर का एप्रोक्स बैटरी बैकअप दे देगा। ये बात आपको पता रहे कि इसमें आपको आईपीएस पैनल नहीं मिलेगा। लिस्ट में जो पहले नंबर पे आने वाला है उसमें आपको कोई भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। ये लैपटॉप का पोर्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम है वीवो बुक 15 जैसे। ओवरऑल ये लैपटॉप आपको रिलायबल परफॉर्मेंस, डिसेंट बैटरी लाइफ और लाइट वेट डिजाइन ऑफर करता है। आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, स्टूडेंट के लिए ये भी एक ग्रेट ऑफर डिलीवर करता है। हाँ तो दोस्तों लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है HP का पवेलियन सीरीज, जो कि अपने आप में आपको वर्सेटाइल डील ऑफर करता है। एक 45,000 के लैपटॉप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, डिस्प्ले भी बढ़िया हो, आईपीएस पैनल भी हो, बैकलिट कीबोर्ड भी हो, अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिल जाए, पावरफुल प्रोसेसर भी हो इंटेल का, तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको HP पवेलियन 15 प्रोवाइड करता है। आप ये वाला लैपटॉप को बिना सोचे समझे बाय कर सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और HP का कस्टमर सपोर्ट हम सभी जानते ही है। HP पवेलियन 15 आता है 12th जनरेशन इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर के साथ, 8GB रैम, 3200 MHz वाला, रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, SSD स्टोरेज है 512GB वाला सैमसंग कंपनी का, लेटेस्ट वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.3 के साथ, इंटेल का USD ग्राफिक्स से आपको मैनेज करना होगा, फुल HD है विथ IPS पैनल। कलर करेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो इस वाले लैपटॉप में। 250 nits का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC के साथ आता है, जो कि 75% sRGB का इक्विवेलेंट होता है। HP का ट्रू विजन 720p HD वेबकैम देखने को मिलेगा। 41 वाट आवर का बैटरी है 65 वाट एडाप्टर के साथ, जो कि 5 टू 6 आवर का इजिली बैकअप दे सकता है नॉर्मल टास्क करते टाइम। पोर्ट्स की तरफ आए तो इसमें पावर सप्लाई देखने को मिलेगा, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट, सिक्योरिटी स्लॉट, HDMI 2.1, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। कीबोर्ड में ये वाला लैपटॉप नंपैड भी प्रोवाइड करता है और आपको बैकलिट कीबोर्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये वाला लैपटॉप नंबर 1 पोजीशन को ग्रैब करता है। आप इसको बेझिझक बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 45,000 के राउंड है तो। स्क्रीन पे आप इसका पूरा स्पेक्स देख सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन यही आ जाता है कि इन तीनों लैपटॉप में से हमको कौन सा लेना चाहिए। फिर वही बात आ जाता है आपका लैपटॉप से नीड क्या है। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो आसूस का वीवो बुक 15 एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप क्रिएटिविटी माइंडसेट वाले हैं और आप प्रीमियम की तलाश में है तो आसूस का वीवो बुक 16 आपके लिए है। और अगर आप एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहते हैं जो बजट फ्रेंडली भी हो तो HP का पवेलियन 15 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। उम्मीद है ये मेरा रैंकिंग आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के साथ। नमस्कार।